स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल स्पीक वेल दरभंगा। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पहली क्लास स्पोकन इंग्लिश की, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ ये आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन आई के बारे में, जिसका हिंदी मतलब होता है मैं, है ना। ये फर्स्ट पर्सन है और आई से हम बहुत सारे सेंटेंसेस लिए हैं अलग अलग तरीके से, जैसे मैं रास्ते में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैं स्कूल के पीछे हूँ, मैं एटीएम के बगल में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मैं घर के सामने हूँ। बिल्कुल मॉडर्न तरीका से हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप आई पर सीख जाएंगे तो आप ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, जो भी होगा प्रोनाउन या फिनाउन, उस सब के बारे में आप आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं शिक्षक हूँ, इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे आई एम अ टीचर, ठीक है। शिक्षक यहाँ पर कितना है, एक है, मैं मतलब एक है और इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। आप इसको, हम, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, आप इसे चाहे तो आई एम भी लिख सकते हैं, बट स्पोकन में इसको आम पढ़ाता है कि आई एम अ टीचर इस तरह से। सो आई एम अ टीचर, यू कैन से मैं यहाँ हूँ, इसे भी कह सकते हैं आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम ऑलवेज विथ यू, हमेशा आपके साथ, के साथ के लिए हम विथ का यूज़ करेंगे, जिसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नेक्स्ट है मैं आपके खिलाफ हूँ, अगर ये कहना है अंग्रेजी में तो कैसे कहेंगे आम अगेंस्ट यू। अगर आप एक पर बना लेंगे तो बहुत सारा आपका बन जाएगा, जैसे बोलना हो इसमें कि मैं श्याम के साथ हूँ तो बोलेंगे आम विथ श्याम, मैं हमेशा श्याम के साथ हूँ आम ऑलवेज विथ श्याम, मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ हूँ आम ऑलवेज अगेंस्ट यू, मैं हमेशा श्याम के खिलाफ हूँ आई एम ऑलवेज अगेंस्ट श्याम, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैं रास्ते में हूँ, इस अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ आई एम ऑन द वे, है ना। मैं ट्रेन में हूँ, इसे हम क्या कहेंगे आई एम ऑन द ट्रेन। अच्छा, यहाँ पर इन द ट्रेन नहीं होगा, ऑन द ट्रेन होगा, ये एक प्रेपोजिशन है जब हम पढ़ाते हैं कि जब भी कोई ट्रांसपोर्ट हो और अगर वो मोशन में हो, मतलब वो अगर चल रहा हो, अगर उस ट्रांसपोर्ट में हम यहाँ से वहाँ तक कहीं पर भी वॉक कर सकते हैं तो वहाँ पर ऑन लगता है, अगर हम वॉक नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर इन लगता है। जैसे हम कार में वॉक नहीं कर सकते इसलिए इन द कार होता है, बट हम ट्रेन में वॉक कर सकते हैं, बस में वॉक कर सकते हैं, प्लेन में वॉक कर सकते हैं, इसलिए ऑन द प्लेन, ऑन द बस और ऑन द ट्रेन होता है, बट इन द कार, इन द ट्रक, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैं छत पर हूँ, इसे अंग्रेजी में कहेंगे आम ऑन द रूफ। तो पर के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैं मेन रोड पर हूँ, आम ऑन द मेन रोड। अच्छा, ऑन द मेन रोड, ऑन द रिवर ऐसे लोग बोलते हैं, ऑन द पॉन्ड, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर ही है वो, बीच में है। ऑन द का मतलब ये भी होता है उसके किनारे, है ना। अगर आप कहना हो कि मैं नदी के किनारे हूँ तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन द रिवर, है ना। मैं तालाब के किनारे हूँ, आई एम ऑन द पॉन्ड। तो ऑन द का मतलब ये होता है कि के किनारे पर, ऑन द बैंक ऑफ, ये भी होता है, ठीक है ना, और इसे हम बहुत यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैं एटीएम के बगल में हूँ, इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम नेक्स्ट टू द एटीएम, आई एम नेक्स्ट टू द एटीएम। तो के बगल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे नेक्स्ट टू द, है ना, आई एम नेक्स्ट टू द एटीएम। अगर बोलना हो आपको कि मैं श्याम के बगल में हूँ तो कैसे बोलेंगे आई एम नेक्स्ट टू श्याम, है ना। मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ, आई एम नेक्स्ट टू यू। मैं स्कूल के बगल में हूँ, आई एम नेक्स्ट टू द स्कूल, इस तरह से आप नेक्स्ट टू का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है मैं स्कूल के पीछे हूँ, इसे अंग्रेजी में कहेंगे आम बिहाइंड द स्कूल, आम बिहाइंड द स्कूल है ना। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, आई एम बिहाइंड यू। मैं सुपर मार्केट के पीछे हूँ, आई एम बिहाइंड द सुपर मार्केट। मैं एक दुकान के पीछे हूँ, आई एम बिहाइंड द शॉप। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बिहाइंड का, नेक्स्ट टू का। मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, इसे अंग्रेजी में कहेंगे आम इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, आम इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। मैं स्कूल के सामने हूँ, आम इन फ्रंट ऑफ स्कूल। मैं तुम्हारे सामने हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। मैं बैंक के सामने हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ द बैंक। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मुसीबत में हूँ, आम इन ट्रबल। सो मे के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, आम इन ट्रबल है ना। इस तरह से जैसे कि मैं शहर में हूँ, आम इन द सिटी। मैं गांव में हूँ, आम इन द विलेज। इस तरह से मैं तुमसे गुस्सा हूँ, इस अंग्रेजी में कहेंगे आम एंग्री विथ यू। जब किसी के साथ हम गुस्सा होते हैं तो एंग्री विथ लगाते हैं। जैसे अगर बोलना हो कि मैं तुम्हारे भाई से गुस्सा हूँ, इंग्लिश बोलेंगे आम एंग्री विथ योर ब्रदर। मैं पापा से गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विथ माई फादर। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं वो आदमी नहीं हूँ, इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम नॉट दैट मैन, आई एम नॉट दैट मैन। मैं वो आदमी नहीं हूँ। या फिर आपको बोलना हो कि मैं वो श्याम नहीं हूँ, हो सकता है आपका नाम भी श्याम हो लेकिन कोई आपको कुछ और ही समझ लिया, कोई और श्याम, तो आप बोल सकते हैं कि मैं वो श्याम नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट श्याम है ना। मैं वो रवि नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट रवि। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पर आप आई एम का यूज़ किए हैं, जिस तरह से आम का यूज़ किए हैं, अगर वह आ जाता है कि वह शिक्षक है तो ही इज़ अ टीचर, वह यहाँ है ही इज़ हियर, वह वहाँ है ही इज़ देयर है ना, वह हमेशा आपके साथ है ही इज़ ऑलवेज विथ यू। उसी प्रकार यू आ सकता है कि तुम शिक्षक हो, यू आर अ टीचर, हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। इस तरह से हम किसी भी प्रोनाउन के साथ बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं, पहले बतलाते हैं रिटर्न में, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं एक दूसरे से। तो ये क्लास थी, पहले क्लास स्पोकन इंग्लिश की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।